SSH India। भाई बहन के अटूट व पवित्र पर्व रक्षाबंधन के शुभ बेला पर भदोही व नई बाजार सहित ग्रामीण क्षेत्रों में खूब रौनक रही। मिठाई व राखी की दुकानों पर भीड़ दिखी, सड़कें भी गुलजार रही। पर्व पर सुबह से ही बहनें अपने भाइयों के होंठों पर राखी बांध आरती उतारी, मुंह मीठा कराने के साथ सुख समृद्धि व दीर्घायु होने की कामना किया। भाइयों ने भी उपहार स्वरूप नकदी व अन्य सोना चांदी आदि भेंट कर उनके रक्षा का संकल्प लिया। भदोही में निवर्तमान सपा जिलाध्यक्ष मो आरिफ सिद्दीकी के आवास पर नगर की हिंदू बहनें पहुंचकर राखी बांधी और आपसी एकता अखंडता का संदेश दिया। निवर्तमान जिलाध्यक्ष ने कहा कि भाई बहन का रिश्ता सिर्फ सगा का ही मतलब नहीं है, रिश्ता तो दिलों का होता है जो अटूट है। हमारी हिंदू बहनें जो हमें पिछले 14 वर्षों से राखी बांधती आ रही है और हमारे दुख सुख में सगी बहनों से बढ़कर खड़ी रहती है, असल में यही है हमारे देश की संस्कृति जो आपसी एकता के बल पर निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर है। जानवी गुप्ता, रिंकी गुप्ता व अनीता गुप्ता ने राखी बांधी और भाई के सुख समृद्धि की कामना किया। इसी तरह नई बाजार पंचायत अध्यक्ष विजय सोनकर को बहनों ने राखी बांधी और सुख समृद्धि की कामना किया। पंचायत अध्यक्ष ने कहा कि बहने ससुराल में रहते हुए जब रक्षा बंधन पर्व आता है तो अपने भाइयों को राखी बांधने जरूर आती है। खास यह कि भाई की कोई भी परेशानी सुनने पर स्वयं परेशान हो जाती है। वास्तव में माँ के बाद यदि कोई निस्वार्थ भाव से प्रेम करता है तो वह बहने होती है जो अपने को खुश देखना चाहती है, बदले में सिर्फ भाई का प्यार व दुलार चाहती है। अध्यक्ष राखी बंधवाते संग उनकी आंखें नम हो गई थी। उन्होंने बहने को उपहार। बड़े संकट के दौर से गुजर रहा है, सारे तरफ मायूसी है, समाज में लोग परेशान हैं, अपनी सुरक्षा को लेकर के जिस तरह से एक वायरस फैला हुआ है, लेकिन इसके बावजूद भी हिंदुस्तान का मैं बहुत खुशनसीब इंसान हूं कि आज के दिन भी रक्षाबंधन के दिन ये मेरी हिंदू बहनें हैं, ये हर साल आती हैं और मुझे रक्षा राखी बांधती हैं। कितनी मुंहबोली बहनें हैं आपकी? मेरे पास बहनों की एक बहुत लंबी फौज है, उनकी तादाद बहुत बड़ी है। सब लोग आती हैं? नहीं, कभी कभी, क्योंकि आज के दिन हमने उनको खुद मना किया था, रोका है हमने कि आज इस साल जो है परेशान मत होइए, लेकिन इसके बावजूद भी ये हमारी बहनें नहीं मानी। और यही भारतीय संस्कृति है, यही भारत की सभ्यता है, यही हमारे देश का प्यार है कि हमारी हिंदू बहनें आज के दिन हमारे घर पे आकर के हमको राखी बांधती हैं। और आइए, इस अवसर पर क्या संदेश देना चाहते हैं सर? इस अवसर पर यही भारत की विशेषता है, यही असली भारत है, यही असली भारत है। जब एक हिंदू बहन आकर के एक मुसलमान नेता को या भाई को अपना भाई मानते हुए सगे भाई की तरह रक्षा बांध करके और हमारे दीर्घायु जीवन के लंबी जीवन की कामना करती है तो आंखों में आंसू आ जाता है कि आज इस बहन ने मेरे लिए वो दुआ की है जो दुआ हमारी सगी बहनें करती हैं। तो हमारी सगी बहनों से भी बड़ा दर्जा इनका हमारी निगाहों में है। और जब ये लोग आती हैं तो वाकई मेरा आंख भर आता है। और यही असली भारत की तस्वीर है, यही हमारी संस्कृति है, यही हमारे हमारे पूर्वजों ने हमें दिया। सबसे पहले तो आज का दिन एक ऐसा दिन है कि एक साल से देश के सभी बहनों का इंतजार रहता है कि अपने मायके जाकर इस त्यौहार में अपने भाई के कलाई पे राखी बांध के और आशीर्वाद की कामना करती हैं कि हमारे भाई हमारे दुख सुख में साथ खड़े रहेंगे। साथ ही बहनों को ये भी उम्मीद रहता है कि हमारे भाई हमारे साथ हमारे कंधे से कंधा मिला के चलते रहेंगे। तो आज आपने जो है कि कितनी बहनें हैं सर आपकी?
मेरे पास मेरे पिताजी दो भाई हैं, दोनों जन्म मिला के मेरे पास 10 बहनें हैं। अच्छा, तो दसों बहनों को ने आपको राखी बांधा है? जी जी, सब आई हुए हैं। कुछ बहने बड़ी हैं जिनसे आशीर्वाद प्राप्त हुआ, कुछ बहनों को जो छोटी हैं उन्हें आशीर्वाद उन्हें दिया।